नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ रोजगार दैनिक समाचार में। और आज की खबरें जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहें। प्रधानाध्यापक व प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए 2 तक करें आवेदन, ऐसा यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से रिपोर्ट जारी किया गया है। वहीं पर अगर दूसरी खबर की बात करें तो शिक्षा सेवा चयन आयोग में पहली बैठक आज हुई थी और विशेष सचिव की अगुवाई में उच्चतर और चयन बोर्ड के जो अफसर हैं वो बनाएंगे रणनीति कि कैसे क्या आगे परीक्षा कराना है या फिर नई वैकेंसियों के बारे में भी कुछ अवगत कराया जाएगा। वहीं पर एसएससी जेई भर्ती का आज जारी हो गया विज्ञापन और ये रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। 1 अप्रैल से नया सत्र स्कूल में जो है चालू है, लेकिन अभी तक जो किताबें हैं वो स्कूल में नहीं पहुँची हैं। वहीं पर शिक्षकों की प्रमुख जो मांगें हैं वो पूरी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से कापियों का मूल्यांकन भी शुरू कर दिया गया है। वहीं पर दूसरी खबर निकल कर आ रही है कि चयन आयोग के कार्यालय में कल से बैठक होगी, जिसमें उच्चतर और जो शिक्षक हैं जो साथ में वहां पर कर्मचारी हैं वो सभी चयन आयोग की भर्ती परीक्षा में छात्रों के मांगेंगे अंतर जनपदी जो केंद्र है मिली अनियमितता की शिकायतें और उसका भी निराकरण किया जाएगा। वहीं पर दूसरी खबर है कि मनरेगा की जो मजदूरी है 4 से 10% की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 7 रुपये की वृद्धि की गई है, जो कि सबसे कम है, ऐसा यहां पर रिपोर्ट में बताया जा रहा है। अगली खबर की बात करें तो आचार संहिता खत्म होने के बाद भर्ती की तैयारी में आयोग है और शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली बैठक पद विवरण व अन्य प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। मनरेगा की नई मजदूरी की दरें 1 अप्रैल से होंगी प्रभावी, ऐसा यहां रिपोर्ट में बताया जा रहा है। नए सत्र से UGC नेट होगा PhD में दाखिला, यानी कि आप अगर नेट से PhD में दाखिला लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये UGC नेट की एक नई गाइडलाइन जारी की गई है और नया बात सामने निकल कर आ रहा है। पेपर लीक को लेकर BPSC से पूछे गए सवाल, और ऐसा आप रिपोर्ट में देख सकते हैं। EOU शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण का पेपर लीक मामले में पूछताछ की प्रक्रिया शुरू है और BEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा पंजीकरण परीक्षाओं की तिथियां फिर से तय होंगी और लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र बदलेगा कार्यक्रम। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की आज होगी बैठक। शिक्षा मित्र अनुदेशक भी लगेंगे चुनाव ड्यूटी में, ये एक बड़ी रिपोर्ट है, आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ थोड़ी अलग से खबरें हैं। NPCC में भी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, BCCL में भी मौके हैं। इन सभी के लिए आप यहां से इस वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। ये खबरें आपको 2 से 3 दिन की मिला के दिखाई जा रही हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा खबरें हैं। तो SSC JEE के 968 पदों की भर्ती की जाएगी, आवेदन शुरू हो चुके हैं। और यहीं पर एक बड़ी खबर की बात करें, जो परिणाम रद्द करने पर सरकार व BPSC से जवाब तलब किया गया है, ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं। TGT PGT भर्ती की तिथियां मांगी जा रही हैं, क्योंकि TGT PGT जो भर्ती है वो पिछले 2 वर्षों से फॉर्म भरा के लटकाया गया है। विज्ञापन 2022 का है, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। वहीं पर PM उज्ज्वला योजना में जो है उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। 10 करोड़ करेक्शन हो चुके हैं और ALU ने किया शोध। वहीं पर अगली खबर की अगर हम बात करें तो SSC JEE के 968 पदों पर होगी भर्ती, आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। साथ में BEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन अब 7 मई तक होगा। और अगली खबर की बात करें तो 1 अप्रैल से हो रहे 4 जरूरी बदलाव। वो 4 जरूरी बदलाव क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। KYC करना होगा, फास्टैग होगा बंद, और UP बोर्ड के 99% कापियाँ जाँची जा चुकी हैं। साथ में अगर हम बात करें स्नातक में प्रवेश प्रक्रिया 31 मई तक कर सकते हैं आवेदन। स्नातक और स्नातक प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में 4,250 सीटें हैं। सीटों का ब्यौरा आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है, जो आप स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। ये लखनऊ विश्वविद्यालय की रिपोर्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ प्रमुख खबरें एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में 83 पद हैं, DRDO में 60 पद हैं और बैंक ऑफ इंडिया में निकली है भर्ती 143 पदों के लिए। इन सभी पदों को आवेदन करने के लिए आप ये वेबसाइट आप इसलिए देख सकते हैं। और आज के बुलेटिन यहीं पर संपन्न होता है। वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।